कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में टीम ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, खनन विभाग के अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के अफसरों के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। बता दें कि धारवाड़, बेलागवी, डंडेली समेत और दो ठिकानों पर एंटी करप्शन टीम के आला स्तरों ने छापेमारी की है। पिछले महीने कुछ होटलों में भी छापेमारी हुई थी, जहाँ राज्य के मंत्री डीके शिव कुमार और जनता दल सेक्युलर जेडीएस के कुछ नेता ठहरे हुए थे। छापेमारी कुंडगोल सीट पर उपचुनाव को लेकर की गई थी। यह सीट सीएस शिवल्ली के निधन के बाद खाली हुई थी और यहां उपचुनाव था। एसीबी ने अलग अलग होटलों पर छापेमारी की। कहीं कहीं छापेमारी काफी लंबी चली। खबरों के मुताबिक एक होटल में जहां छापेमारी हुई, वहां कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ठहरे हुए थे। शिव कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि अधिकारियों ने उनके कमरे की तलाशी ली।